इस प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज़ करने विच सानू वासल एजुकेशन ग्रुप ने बहुत वड्डा सहयोग दिता। ये जिहड़ा ऑडिटोरियम है पिछले साल भी उन्होंने सानू दिता सीगा और इस साल भी उन्होंने दिता और इस दे नाल नाल इस वारी उन्होंने जो बच्चों का रहन का खाण पीन का जिन्ना जिहड़ा खर्चा है वो सारा का सारा जिहड़ा वासल ग्रुप वालों किया जा रहा। असीं इस वास्ते वासल ग्रुप का बहुत बहुत एस ओ बी पंजाब वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अज मेरे नाल इस मीटिंग दे विच मेरे नाल आशा दी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेजिडेंट तरनजीत सिंह जी, हरीशेरी जी, हरबंस सिंह जी, डॉक्टर दर्दी, हरीश ठाकुर जी, राम ते होर भी बाकी सारे मैंबरस, राम कुमार शर्मा जी, बाकी भी सारे मैंबरस आए हैं। असीं सारिआं दा इत्थे पहुँचण ते बहुत बहुत वैलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं भी सारे शहर वासी इत्थे आ के बच्चों का जोश खरोश जिहड़ा देख के उन्होंने इनकरेज करेंगे। और असीं यह दसना चाहते भी इस ईवेंट जिन्हें भी साडे पार्टीसपेंट्स होंगे हर एक पार्टीसपेंट नूं असीं एक रिटर्न गिफ्ट भी हर एक बच्चे नूं दिंदे आ और लगभग 2 लाख कैश जिहड़ा अवार्ड है वह सारे विनर्स दे विच अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब नाल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता। और मैं उम्मीद करदा ये वाला जिहड़ा फंक्शन है बहुत ही यादगारी होएगा और एक बार मैं फिर सारे इतने पहुँचने बहुत बहुत धन्यवाद करता। थैंक यू जी। तो हमने ये झांडखेला में शिफ्ट किया था 2005 में, तो वी हैड ओनली 2 रूम्स एट दैट टाइम। तो हमारे पास धीरे धीरे लोगों की डोनेशंस आती रहीं और बड़े जो ग्रुप हैं हमारे साथ जुड़ गए तो ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। और उसके बाद से हम ये स्कूल चला रहे हैं, उसके साथ हॉस्टल चला रहे हैं। जो बच्चे रेगुलरली वहाँ स्टे भी करते हैं उनका खाने का स्टे का सब इंतज़ाम वहीं होता है। और ये हमने पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट करी थी वो रियादबाड़ा में, सबसे पहले हमने वो इवेंट किया था 2015 में। तो उसके बाद हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिली कि हम ऐसा कल्चरल प्रोग्राम भी करें, तो तभी से ये कल्चरल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। तो इसका नाम उमंग रखा गया। तो ये 6th सीज़न है और हमारे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की है। आपने देखा होगा अभी सुबह जो फंक्शन हुआ है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं और दूसरे स्कूल्स भी हैं थ्रू आउट पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया से स्कूल जो वो जहाँ आए हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा इवेंट। और इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे कोई हम इनकी ग्रेडेशन नहीं कर सकते, इनको किसी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इनकी एक्टिविटी यही है कि या तो इनको सपोर्ट्स कराई जाएँ तो या इनको कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। नमस्ते दोस्तों, पेश करने जा रहा हूँ अपनी एक्टिंग और बता रहा हूँ, अगर ये 2.5 किलो का हाथ किसी को पड़ गया तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मैं स्मार्ट की बदौलत कह रहा हूँ, मुझे सनी देओल से मिलना है, मैं उसका डुप्लीकेट हूँ। वो असली है, वो तो बॉम्बे बैठा है, लेकिन जो डुप्लीकेट है उसका वो यहाँ आया है। अभी अभी मैंने नेशनल में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल सिल्वर लेकर आया हूँ। बच्चों तुम भी सीखो स्विमिंग, नहीं तो सबको चिढ़ा लूंगा। ओए सर, मेरा नाम बिलाल, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर डांस करने के लिए। पंजाब में मुझे इनवाइट किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं बौद्धिक विकास पुनर्वास केंद्र में पढ़ता हूँ और वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेता हूँ। और हमारी मैडम है सारिका रजौरा मैम और हमारी मीनू भाटिया मैम, और इन लोग के साथ रह के पूरा जो है पूरा दिन हम लोग जो है स्कूल में पढ़ते हैं और जो है काम वगैरह भी सब करते हैं, सिखाया जाता है वहाँ पे, जैसे दिया मेकिंग वगैरह है ये सब सिखाया जाता है हमारे क्या कि बच्चे को रोज़गार मिले, अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, इसलिए वहाँ पे ये सब काम सिखाया भी जाता है। और जो है बाकी निःशुल्क है हमारा, कोई फीस नहीं है। कहाँ से आए हो आप? आज नया सुबह यहाँ पे। आप क्या करने आए हो, कैसे लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। मेरा मम्मी है गए, दीदी है गए, मामा दीदी है गए, मंशु भैया, मामा दाऊ, दादी मामा, मैं सारी आ गया सर।